यूपी बीएड इस वर्ष 2024 में जो बीएड का एडमिशन हो रहा है, जो छात्र एडमिशन ले चुके हैं उनका तो ठीक है, जो नहीं ले पाए हैं उनके लिए लास्ट डेट क्या है, वो कब तक एडमिशन ले सकते हैं और क्या बीएड ही करना कंपलसरी है या करना चाह रहे हैं, मतलब एकदम सोच विचार लिए आपकी बीएड ही करना है, क्योंकि साथ में बीटीसी भी करने के लिए वेबसाइट ऑन हो गई है। अगर मन नहीं बन रहा है तो अब आप डीएलएड या बीटीसी भी कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं हूं लोकुश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लोकुश यादव ब्लॉग। सबसे पहले जो आपका सवाल है कि बीएड एडमिशन की लास्ट डेट क्या है, तो बीएड की काउंसलिंग चल रही है। डायरेक्ट काउंसलिंग अंतिम प्रवेश होता है, यानी कि जो डायरेक्ट एडमिशन होता है वही बीएड का लास्ट एडमिशन होता है। उसकी लास्ट डेट 28 सितंबर है, यानी कि इस महीने में 28 तारीख तक अगर आप प्रवेश ले रहे हैं 28 सितंबर तक, तो आप बीएड का एडमिशन आपका हो जाएगा। 28 सितंबर के बाद बीएड का एडमिशन नहीं होगा। साथ ही अगर आप बीएड का फॉर्म भरे हैं, एंट्रेंस भी दिए हैं, लेकिन आपका किसी वजह से मन बदल रहा है कि बीएड न करके हम डीएलएड या बीटीसी कर लें, तो आपके लिए अवसर ओपन हो गया है। वेबसाइट जो है यूपी डीएलएड की वो खुलने वाली है, नोटिफिकेशन आ गया है। 18 सितंबर से यूपी डीएलएड के फॉर्म भरे जाएंगे, आप फॉर्म भर सकते हैं। डीएलएड और बीटीसी दोनों अलग अलग कोर्स हैं, दोनों की एलिजिबिलिटी अलग है, लेकिन फीस दोनों की सेम है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको बीएड करना है या बीटीसी करना है। अगर इस पर जानकारी चाहिए कि बीएड करें या बीटीसी, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, फिर हम सोचेंगे कि क्या वीडियो बनाना आवश्यक है या नहीं। फिर मिलेंगे आपको नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।